नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दी करेंट अफेयर शो में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास इनिशिएटिव है। दिन भर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सब का एनालिसिस हम मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे इस दी करेंट अफेयर शो में करते हैं। आज भी करेंगे, आज हमारा एपिसोड 8 है, नया इनिशिएटिव है। अगर अच्छा लगे काम तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दी करेंट अफेयर शो। आज के इस दी करेंट अफेयर शो में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है, अगर आप पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखोगे और खासकर रीजनल पॉलिटिक्स देखोगे तो हर कंट्री अपने पड़ोसी से कहीं ना कहीं उलझा हुआ आपको दिखेगा। अगर आप इसराइल की बात कर लो तो इसराइल अपने पड़ोसियों से उलझा हुआ है। भारत रीजन अगर आप पूरा ले लो तो भारत भी कहीं ना कहीं चीन के साथ में, नेपाल के साथ में उलझा हुआ है। चीन की बात कर लें तो चीन भी भारत के साथ में, भूटान के साथ में एक अलग दावा प्रस्तुत कर रहा है। अब हाल ही में हुआ ये कि भारत ने भूटान को एक प्रस्ताव दिया है 150 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण का, और इस पर चीन अपना दावा करता आया है शुरू से कि यह जो एरिया है, जिस एरिया पे भारत रोड बनाना चाहता है, वो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये दावा चीन कर चुका है। और अगर भारत इस पर 150 किलोमीटर का अगर सड़क बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है चीन का ऑब्जेक्शन यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर ये सड़क निर्माण होता है तो भारत को यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस रीज़न में 150 किलोमीटर का सड़क का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ये है भूटान का यति एरिया कहलाता है। ये इस रीजन में आता है जो कि ये तासी गंगा को भी जोड़ता है, गुहावटी को भी जोड़ता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है, जो ये गुहावटी है ना, अगर ये 150 किलोमीटर का सड़क बन जाता है तो गुहावटी से अरुणाचल प्रदेश का जो लेंथ है वो लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को यही मिलने वाला है। हालांकि पॉलिटिकल इशूज पे देखोगे तो चाइना के साथ में टेंशन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि चाइना अधिकार कर रहा है कि जो भूटान का यति क्षेत्र है वो उसका है। और अगर भारत यहां पर सड़क निर्माण करता है तो ऑब्वियस सी बात है चाइना यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन सड़क अगर यहां पर निर्मित हो जाते हैं तो भारत को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स नंबर वन, पहला कि इस सड़क के निर्माण से भारत चीन की सीमा के आसपास पहुंचा रहेगा, और इस सड़क के माध्यम से अपनी सेना को, जरूरत की सामानों को चीन के बॉर्डर के पास तक, जैसी सेना की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचा सकता है। और गुवाहाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वहाँ की जो लेंथ है वो 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगा, जिस पर अरुणाचल प्रदेश पर बार बार चीन दावा करता आया है कि वो उसका क्षेत्र है। तो इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर अगर ये रोड बनता है तो इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और इस रोड का निर्माण किसकी तरफ से किया जाएगा, तो इस रोड का जो निर्माण है वो किया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की तरफ से। आप लोग जानते हो कि भारत में जितने भी सीमा वाले क्षेत्र हैं और जो खासकर सुदूर वाले एरिया आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये सब क्षेत्र जहाँ पर एक देश की सीमा भारत से मिलती है, तो वहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है दुर्गम करना होता है, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सारा निर्माण किया जाता है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हालांकि आप चाहें तो भूटान के बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारी देख सकते हैं। भूटान के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी दे चुका हूँ, जब मैंने एक और भूटान से रिलेटेड, भूटान के जिस हिस्से पर चीन ने दावा किया था उस पर जब वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर भी मैंने भूटान के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को दे दी थी। तो फिर भी यहाँ पर भूटान की बेसिक जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए है, वेयर इज़ साकेतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड, यानी कि साकेतिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से देश में स्थित है। इसका एनालिसिस हमने कर रखा है एक वीडियो में, तो जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 कब रिलीज़ हुआ था, ये रिलीज़ हुआ था 2019 को।
इसको रिलीज़ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें बताया गया था कि भारत में बाघों की संख्या किस प्रकार से वृद्धि हुई है। एक ओवरऑल व्यू मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए बाघों की गणना की गई थी, तो इस प्रकार का वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैमरा ट्रेसिंग के लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ पर वनों के सर्वेक्षण के लिए भारत ने सबसे ज़्यादा एरिए में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैमरा लगाया गया है। और आप लोगों को पता है कि ये जो बाघ सर्वेक्षण है वो किसके तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसमें आती है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आता है जो कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस सर्वेक्षण को तैयार करती है। इसके अलावा यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा जानकारी हम लोग और ले लेते हैं, जो टोटल फोटोग्राफ्स टेकन है यानी कि कितने क्षेत्र में टोटल फोटोग्राफ्स यहाँ पर लिए गए थे, तो ये एरिया आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। इस आंकड़ा या आंकड़े के आधार पर भारत में टोटल कितने बाघ हैं, यानी कि बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में इस वक्त कितने बाघ हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है, फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2967 फिर से पूछा जा सकता है, अप्रॉक्स आप लोग यहाँ पर इसे 3000 भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए कि कौन से स्टेट में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है 526, कर्नाटक 524 के साथ दूसरे नंबर पर, और उत्तराखंड 424 के साथ तीसरे नंबर पे। तो इतनी सी बेसिक जानकारी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष जो वर्तमान समय में हैं वो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आप लोगों के लिए, इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, अमित शाह, रविशंकर। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। US यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, और यह टॉप ट्रेडिंग पार्टनर लगातार 2 सालों से बना हुआ है। और अमेरिका कुछ कंट्रीज़ में, अगर भारत का देखोगे आप, ट्रेडिंग देखोगे विभिन्न कंट्रीज़ के साथ में, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ में डिफिसिट ही होता है, और चाइना के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा डिफिसिट होता है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ में हमारा मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो सरप्लस में होता है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ों के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से 19 और 20 के डेटा के आधार पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 2019 और 20 का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में किस प्रकार से ट्रेडिंग रहा। यह क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 2019 और 20 की हम बात करें, तो भारत और अमेरिका के बीच में $88.7 अरब का ट्रेड हुआ है, और 2018 और 19 में 87 यानी कि 87.966 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ है। ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा और मैं आप लोगों को ग्राफ की मदद से समझाऊं कि भारत और यूएसए के बीच में किस प्रकार से सरप्लस का ट्रेड होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया टू यूएस सर्विस सेक्टर में किस प्रकार से, यहाँ पर ग्राफ की मदद से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ट्रेड होता है। गुड्स में आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से ट्रेड होता है। अगर आप यहाँ यूएस टू, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इंडिया टू यूएस सर्विस देख रहे थे और इंडिया टू यूएस गुड्स देख रहे थे। यहाँ देख सकते हो यूएस टू इंडिया सर्विस और यूएस टू इंडिया गुड्स, ये आंकड़ा आपका 2018 का है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार से व्यापार जो है वो होता है, द्विपक्षीय व्यापार होता है। और फिलहाल तो बस इतना याद रखिएगा कि 88.75 अरब डॉलर
के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है 2019 और 20 में अमेरिका रहा है। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को खास कर ध्यान से करके जाइएगा। पिछले दिनों भारत और चीन के बीच में जिस प्रकार से टेंशन क्रिएट हुए हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गलवान घाटी में जिस प्रकार से झड़प हुआ वो झड़प नहीं भी हो सकता था अगर ये स्टेप जो अब इंडिया उठाने जा रही है अगर पहले उठा लेती तो। गलवान घाटी में अगर पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पर हमारी सेना जाती ही नहीं, और गलवान घाटी में बहुत सारे वो एरिया ऐसा है जहाँ पर सेना को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, अगर कुछ सामान पहुँचाना है तो बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से अब उस क्षेत्र में या फिर भारत के बॉर्डर वाले किसी भी क्षेत्र में ले लो जहाँ पर सेना को भेजना बहुत मुश्किल होता है, उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए भारत एक बहुत ही ठोस कदम उठाने जा रही है। भारत यहाँ पर दो कंट्री से बहुत जल्द डील करने जा रहा है, एक है आपका अमेरिका और एक है आपका इजराइल। इन दो कंट्रियों से डील करेगा, किस बात को लेकर डील करने वाला है वो समझ लीजिए। सबसे पहला डील होगा अमेरिका के साथ में रावेन, जिसको RQ-11 UAV भी कहा जाता है, ये अमेरिका से खरीदा जाएगा। और इसके अलावा स्पाइक फ्राइपली जो कि इंडिया खरीदेगा इजराइल से, ये दो इक्विपमेंट का नाम आप ध्यान रखिएगा। USA से कौन सा खरीदा जा रहा है और इजराइल से कौन सा खरीदा जा रहा है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों है क्या। एक्चुअली दोनों देखिए, ये एक आप ड्रोन कह सकते हो, एक आप इसको छोटा सा ड्रोन जो कि अमेरिका का रावेन इस तरह से दिखता है, और जो हम लोग इसराइल से स्पाइक फ्राइपली खरीदने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, छोटा सा ड्रोन है। इसकी मदद से आप ऐसे एरिया में पेट्रोलिंग कर सकते हो जहां पर आपको जाना संभव नहीं है, सुदूर वाला एरिया हो गया, तो अगर ये इंडिया के पास में अवेलेबल होता तो गलवान घाटी में हम इस तरह से पेट्रोलिंग कर सकते थे कि कहां तक चाइना पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है वो झड़प ना होती। तो अभी वर्तमान समय में भारत और भारतीय सेना को यह ज़रूरत महसूस हो रही है, और बहुत जल्द ट्रेड होने वाला है इन दोनों को लेकर, भारत और अमेरिका के साथ और भारत और इसराइल के साथ। दोनों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रावेन को इंडिया 200 खरीदने वाला है, किसके साथ, अमेरिका के साथ में। ये 10 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, इसके अलावा एल्टीट्यूड अगर हम बात करें तो इसका 500 फीट तक हो सकता है, और स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो है वो रन कर सकती है। इसके अलावा स्पाइक फ्राइफली की बात करें हम तो इसका रेंज जो है 1 किलोमीटर तक हो सकता है, और ये जो है 3 किलो तक का सामान भी ले जाने में सक्षम हो सकता है। तो अगर आप समझ लो उस क्षेत्र में सेना है तो उस सेना को अगर छोटी मोटी चीज़ें, ज़रूरत के सामान अगर पहुंचाना है तो पहुंचाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा यह एक प्रकार का ड्रोन है, छोटा सा ड्रोन है, जैसे हम लोग बचपन में या फिर अभी छोटे बच्चों को आप देखते हो ना ड्रोन उड़ाते हुए, तो इसी तरह का ड्रोन जो है वो सेना के लिए तैयार किया है, अमेरिका ने अपने लिए किया है और इजराइल ने अपने लिए किया है, और अब भारत इसे खरीदने वाला है। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर अमेरिका के बारे में बेसिक जानकारी छोटा सा ले लीजिएगा और इसराइल के बारे में बेसिक जानकारी छोटा सा ले लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। बहुत सिंपल सा जवाब है, 4 ऑप्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं, और मुकेश अंबानी कौन है आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, यानी कि चेयरपर्सन हैं। इनका टोटल नेट वर्थ आ जाता है 70 बिलियन डॉलर का, 7वें सबसे अमीर आदमी है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन आते हैं, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस की कुल संपत्ति कितनी है यह भी पूछा जा सकता है, 183.9 बिलियन डॉलर। अमेज़ॉन के संस्थापक हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो 111.6 बिलियन डॉलर का है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बिल गेट्स, इनका नेटवर्थ जो है 110.6 बिलियन डॉलर पे आ जाता है। टॉप 10 आप यहाँ पर देख सकते हो, टॉप 10 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 3 याद रखिएगा, और इंडिया के मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे हैं बस इतना याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा दी करंट अफेयर शो। इसी तरह से हम डेली मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे दी करंट अफेयर शो में दिन भर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सब का हम एनालिसिस
करते रहेंगे। इसी तरह से आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह हमारा दी करंट अफेयर्स शो कैसा लगता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।